डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। मैथ कॉम्बैट आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं और प्रिपरेशन आप लोग की अच्छी चल रही होगी। गेट 2019 बिल्कुल पास में आने वाला है। कॉम्बैट का इस क्वेश्चन को जब हम लोग क्वेश्चन बात करने वाले हैं, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। लीनियर अलजेब्रा प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल इक्वेशंस की हमने बात करी थी, लाप्लास में थोड़ा सा बीच में स्टार्ट किया था। अभी मैंने जस्ट फूरियर सीरीज का भी वीडियो आ रहा होगा या आ चुका होगा। अभी हम लोग बात करने वाले हैं, आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो है न्यूमेरिकल मेथड्स। तो न्यूमेरिकल मेथड्स में मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा। तो न्यूमेरिकल मेथड्स में हम लोग अभी जो बात करने वाले हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन आने वाला है वो बेसिकली मैं लेने वाला हूँ क्वाड्रेचर से, दैट मीन्स एरिया वाइज मैं बात करने वाला हूँ। तो एक न्यूमेरिकल मेथड्स के एक क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रेपेज़ॉइडल रूल जो सारी ही ब्रांच में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वहाँ से बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन आप नोट करिएगा या क्वेश्चन आप लिखेगा, साथ साथ आप क्वेश्चन नोट करिएगा बेसिकली, क्योंकि मैं यहाँ पर डेटा लिखने वाला हूँ, बट जो वर्ड्स हैं वो आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। क्वेश्चन है, अ रिवर इज 80 मीटर इन विड्थ। ओके, अगर बात कर रहा हूँ विड्थ की, तो मेरे पास जो रिवर है, ओके रिवर, ये मेरे पास जो है ये 80 मीटर है, ठीक है। रिवर मेरे पास है एक, ओके मेरे पास मतलब रिवर है। तो इन रिवर के आगे चलते हम लोग, इट्स डेप्थ डी मीटर एंड करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस एक्स। तो यहां पर मेरे पास डेप्थ जो है वो डी दी हुई है, ओके और ये मेरे पास एक टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है, ओके। तो यहां पर मेरे पास जो एक्स दिया हुआ है और ये दिया हुआ है आपके पास डी, ओके। चलिए अगेन आई एम रिपीटिंग कि गेट का क्वेश्चन नहीं है और गेट से बिलोंग करता हुआ क्वेश्चन, तो बहुत फास्ट आप सॉल्व करिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है बेसिकली। अ रिवर इज 80 मीटर विड्थ, इट्स डेप्थ डी मीटर्स एंड करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस एक्स मीटर्स फ्रॉम वन बैंक इज गिवन इन द बिलो टेबल, ओके। तो एक्स हमारे पास दिया हुआ है 0, ओके 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, तो 20, 30, 40, 50, 60, देन आपके पास 70 एंड फाइनल आपके पास 80, ओके। तो ये मेरे पास क्वेश्चन हुआ। अच्छा, जो डी की बात की गई है, ड्रफ्ट की बात की गई है, वो दिया हुआ 0 पे 0 आपके पास है, यहाँ पे गहराई बढ़ते जा रही है 4, 7, 9 आपके पास, 12 आपके पास, 15, 14, 8 एंड अगेन 3, ओके 4, 7, 9, 12, 15, 14, 8 एंड 3, ठीक। द अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, द अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रिवर बाय द ट्रेपेज़ॉइडल रूल, बाय द ट्रेपेज़ॉइडल रूल। तो आपको निकालना है अप्रॉक्सीमेट, अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाय ट्रेपेज़ॉइडल रूल, ये आपको कैलकुलेट करना है। सिंपल सा मैंने क्वेश्चन दिया हुआ न्यूमेरिकल मेथड्स का, तो ट्रेपेज़ॉइडल रूल से आप क्रॉस सेक्शन निकालना है। अगर आप बात कर ले, अगर मैं आपको ऑप्शन की बात करूँ, मैं ऑप्शन दे सकता हूँ आपके पास, बट आपको कैलकुलेट करना है। मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल आंसर टाइप इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चन है, तो इसमें आपको कैलकुलेट करना है कि एग्जैक्टली आपके पास कितने स्क्वायर मीटर में वो क्रॉस सेक्शन का एरिया आपके पास कवर करने वाला, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, ओके थैंक यू।